हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जा रहे हैं कच्चे आलू की रेसिपी बनाने, तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो हम कच्चे आलू ले लेंगे, पहले उन्हें छील लेंगे और छीलने के बाद हम कद्दूकस कर लेंगे। हम जितना भी बारीक इसे कद्दूकस करेंगे ये उतनी ही अच्छी रेसिपी बनती है। तो हमें ज़्यादा बहुत ही मोटे वाले छन्ने से इसे नहीं मतलब कद्दूकस करना है, और जितना भी आपके पास महीन है कद्दूकस करने वाला उसी से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। और फिर कद्दूकस करने के बाद उसे हम धो लेंगे अच्छे पानी से, अच्छी तरह से धो लेंगे। और फिर उसमें हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब नमक डालकर उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और 10 मिनट के लिए इसे हम बंद करके रख देंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो सब निकल जाए। देखिए कितना सारा पानी इसमें निकला है। अब इसे हम दोनों हाथों से प्रेस करते हुए निचोड़ेंगे, एकदम अच्छे से पानी इसका पूरा बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह करके हम पूरा पानी इसमें से बाहर कर देंगे जो भी पानी था। तो देखिए कितना सारा पानी निकला है। अब हम इसे बनाएंगे, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, हमने तो पहले ही डाला था इसलिए हम इसमें कम नमक डालेंगे। तो पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही नमक डाल चुके थे तो हमको उसी हिसाब से नमक डालना है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच आरारोट का पाउडर, आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप इसके अंदर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, ये हमारे हाथ में बॉल्स बन जाए उस हिसाब से हमें इसमें मिक्स करना है। तो आप अगर ज़्यादा आलू लेते हैं तो उस हिसाब से आप आरारोट या कॉर्नफ्लोर मिलाइए। तो अब इसको हम थोड़ा धीरे धीरे करके इस तरह से बॉल का शेप देंगे, हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। हमें इसे छोटे छोटे बॉल्स ही बनाने हैं, क्योंकि यह अंदर तलक एकदम अच्छे से पक जाए तो उस हिसाब से हम इन्हें छोटे छोटे बनाएंगे, क्योंकि छोटे ही छोटे बहुत ही क्रंची और एकदम अच्छे बनते हैं और ये कुक भी जल्दी हो जाते हैं। तो हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसे हम गर्म होने देंगे। हमें बहुत ज़्यादा तेज आँच में इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये ऊपर से तो एकदम अच्छे से पक जाएंगे मगर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए हमें इसे मीडियम आँच में ही तलना है। तो हम तेल हो जाएगा तो इसमें एक एक करके डाल देंगे और इन्हें तब तक नहीं चलाएंगे तब तक कि ये थोड़े से पक ना जाए, और फिर उसके बाद हम इन्हें थोड़े अलग अलग कर देंगे ताकि ये एक दूसरे में चपके ना रहें। और ये इस तरह से हम इन्हें तल लेंगे। जब ये पूरे से तल जाते हैं और इसका पानी एकदम से ख़त्म हो जाता है तो देखिए इस तरह से हो जाता है। इस समय हमें इन्हें बाहर निकाल लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, और इस रमज़ान में आप भी इसे बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए। और आपका कैसा बना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अब मिलेंगे हम दूसरी किसी अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी रोज़ा रहिए और दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।